एवरीवन, माय नेम इज निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रैम्बो आई मेकअप लुक, जो आजकल फैशन में काफ़ी ज़्यादा इन है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता है तो आज आपको कम्प्लीटली नॉलेज मिलने वाली है गाइज इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको आई मेकअप सिखाने वाली हूँ। जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता है, स्पेशली आई मेकअप के लिए आप लोग मुझसे बोल रहे थे, तो ये रैम्बो आई मेकअप लुक आप ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। और बहुत आसान तरीके से मैं आज आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि गाइज बाकी की वीडियोस की तरह ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं रैम्बो आई मेकअप लुक। तो गाइज, जब भी आप आई मेकअप लुक क्रिएट करें तो सबसे पहले आपको अपने आईज पे कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारा बेस अच्छा बन जाता है और जो भी हम आई कलर यूज़ करते हैं यानी जो भी शेड हम अप्लाई करते हैं वो पिगमेंटेड होता है और कलर हमारा उभर कर आता है और आई मेकअप लुक हमारा बहुत अच्छा और फ्लॉलेस नज़र आता है। तो सबसे पहले मैं अपने आईज के ऊपर कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ, इससे हमारे डार्क सर्कल भी हाइड हो जाते हैं गाइज। तो मैं ये छोटा सा मिरर लिए हुए हूँ ताकि मुझे भी दिखे और आप देख सकती हैं गाइज, इस तरह से आपको अच्छी तरह से पहले कंसीलर को अपने आईज पे अप्लाई कर लेना है। दोनों आईज पे मैं अप्लाई करूँगी और नीचे भी, आईज के नीचे भी मैं इसको अप्लाई करूँगी गाइज, ताकि अगर थोड़े बहुत भी हमारे जो डार्क सर्कल हैं वो अच्छी तरह से हाइड हो जाए। और अब मैं ले रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर और इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो दोनों साइड में गाइस, ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमें अपने कंसीलर को सेट कर लेना है। तो गाइस, कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर लूंगी, ज्यादा नहीं, बस आपको हल्का सा डैब डैब करते हुए अपने कंसीलर को सेट कर लेना है इस तरह से। मेरा आई मेकअप का बेस कंप्लीट हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। इसके लिए मैं ये ले रही हूँ मार्स का आई शेडो पैलेट, इसके जितने भी कलर हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये येलो वाला शेड, आपको दिखा दूँ, ये येलो शेड मैं अप्लाई करूँगी अपने आई मेकअप का। सबसे पहले जो मैं बेस बनाने वाली हूँ वो येलो का बेस बनाने वाली हूँ। तो आप देखते रहिएगा, ये आई मेकअप लुक और ये रैम्बो आई मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा इन है फैशन में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले मैं येलो शेड अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईज के ऊपर। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ऑरेंज वाला शेड, जो थोड़ा सा लाइट पीच शेड में है, और इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ और अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूँगी। तो आप देखिए किस तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ इसको अप्लाई करके अपने आईज के ऊपर। तो गाइज़, ये ये रैम्बो आई मेकअप लुक जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा फैशन में इस वक्त इन है। और अगर आप कोई सिंपल सी ड्रेस के ऊपर भी ये मेकअप लुक क्रिएट करती हैं तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो आप देखिए इस तरह से मैंने ये इसको अप्लाई करा है। तो गाइज, मैं ये टेप अप्लाई करने जा रही हूँ ताकि हम जो आई मेकअप कर रहे हैं ये बाहर ना निकले, इस तरह से मैंने दोनों साइड पे टेप को इस तरह से चिपका लिया है। अब मैं ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है ये मेरा, डार्क ब्लू शेड ले रही हूँ मैं, और इसको अपने इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ गाइज। तो गाइज, अपने आई के इनर कॉर्नर पे ये मैं ब्लू शेड अप्लाई करने वाली हूँ। गाइज, अपने आईज के इनर कॉर्नर पे मैंने ये ब्लू शेड अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन वाला शेड, ये वाला जो ग्रीन है इसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ।
तो इसको मैं अपने आई बॉल्स के बीचों बीच में, यानी जहाँ पे हमारी आई बॉल्स होती है, वहाँ पे हम इस शेड को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से गाइस मैंने अपने आई बॉल्स के सेंटर पे ग्रीन शेड अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ डार्क मैजेंटा वाला शेड, ये वाला शेड जो है ये वाला मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ ये वाला पर्पल शेड और इसे भी मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईज के आउटर कॉर्नर पे। आई होप कि गाइस ये रेनबो आई मेकअप लुक आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। गाइज इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला शेड, यानी ये जो लाइट ग्रीन शेड है इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज पे। तो आप देखिएगा, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है ताकि थोड़ा सा हमारा ये जो आई मेकअप है ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। एक बार फिर से मैं येलो वाला ये शेड ले रही हूँ और इसको फिर से मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईज के ऊपर। तो गाइस इस आई मेकअप को और ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये लाइट वाला ब्लू शेड और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आई बॉल्स के सेंटर पे। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आई मेकअप लुक और ज़्यादा उभर कर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ये वाला ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ गाइस, ये देखिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये वाइट वाला शेड और इसको जस्ट अपने आईब्रोज के नीचे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ताकि हमारा ये जो मेकअप है आई मेकअप रेनबो आई मेकअप ये और ज़्यादा उभर कर दिखे और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, फ्लॉलेस नज़र आए। तो जस्ट अगर हम आईब्रोज के नीचे हाईलाइट करते हैं वाइट आई शेडो से तो ये हमारा आई मेकअप लुक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं गाइस इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो गाइस इस रेनबो आई मेकअप लुक को मैं कुछ और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहती हूँ, उभारना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं जस्ट अपने आई बॉल्स के सेंटर पे यानी बीचों बीच में ये येलो वाला शेड ले रही हूँ और इसको मैं काफ़ी अच्छे से अप्लाई करूँगी जस्ट सेंटर पे। तो ये हमारा आई मेकअप लुक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से मैं सेंटर पे ले रही हूँ ये येलो आई शेड और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस इस तरह से अपने आई बॉल्स के बीचों बीच में। आपको ये वाला शेड लेके और सिर्फ हल्के से ब्लेंड करना है जिस तरह से आप देख रही हैं, आपको कस के रगड़ना नहीं है। और ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए मेकअप में, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करते हैं तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस नज़र आता है। तो आप देख सकती है गाइस इस तरह से मैंने ये येलो शेड ले लिया है और इसको अपने आई बॉल्स के बीचों बीच में यानी सेंटर पे अप्लाई कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये मेकअप लुक। और गाइस लास्ट में मैं ये ले रही हूँ पिंक वाला शेड और पिंक को मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो अब चलिए मैं ये पिंक शेड लेके अप्लाई कर लूँगी। तो गाइस ये बहुत ही हल्का सा मैं ये पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ, बस अपनी आईज को मैं डिफाइन कर रही हूँ इससे। तो यहाँ पे लेकर हल्का सा ये पिंक शेड आपको अप्लाई कर लेना है। तो इससे भी इससे गाइस हमारा आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगेगा, ये देखिए इस तरह से
मैंने अप्लाई कर लिया है बस इतना सा। और अब बारी आती है हमारे आईज के इनर कॉर्नर की, तो इनर कॉर्नर पे ये मैं ग्रीन वाला शेड ले रही हूँ और इसको हम अप्लाई करेंगे अपने आईज के इनर कॉर्नर पे। बस ये इतना सा, तो इससे हमारा आई मेकअप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। और लास्ट में गाइस मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये गोल्डन डस्ट, ये आप सबके पास होगी आई थिंक, और ये बहुत इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में, तो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी वाटर आई लाइन पे, बट अंदर नहीं बाहर से ही। तो आप देख लीजिए किस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। बाद में ले रही हूँ गाइस ये ब्लू वाला शेड और इसको अपनी वाटर लाइन पे मैं इस गोल्डन डस्ट के बाद अप्लाई करूँगी, सिर्फ हल्का सा। बस आपको ब्लेंडिंग अच्छी रखनी है, बहुत हल्का सा आपको अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अब मैं अपने इस टेप को निकाल लेती हूँ। गाइज मेरा रेम्बो आई मेकअप लुक जो आजकल फैशन में काफ़ी ज़्यादा इन है, इस मेकअप लुक को आप ज़रूर क्रिएट कीजिएगा गाइज। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बोल्ड मेकअप लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और गाइज लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेम्बो आई मेकअप लुक आपको कैसा लगा। मुझे आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।